मैं ये गल सरकार नूं दसनी चाहुंदा प्रेस दे माध्यम दे नाल, अगर तुसी गैंगस्टर दा हिस्सा मेरे पुत्र नूं बणाउंदे हो मैं 25 तरीक नूं अपनी FIR चक करूंगा, थोड़ा काम बिल्कुल सौखा कर दूंगा। मैं वादा करता मैं एक महीना थोड़े मुंह वल वेखूंगा। मैं DGP साहब तो टाइम मंगया भी मेरियां तकलीफां सुन लो, जो जो सवाल मेरे मन दे विच ने, उस तो बाद जे कहोगे मैं आपके बच्चे की FIR चक करूंगा, मैं भावें बंगलादेश जाके रवा थोड़ा मुल्क छड़ दूंगा। मैनू थोड़े मुल्क तो कोई जस्टिस की उम्मीद नहीं। जिहड़ी सरकार सच नहीं बोल सकती एजेंसियां सुतियां पईयां ने, आपां नूं जस्टिस ना मिले देखो अपना सरकार अगे कोई जोर नहीं। मैं एक सबका फौजी हाँ, कानून के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। जे मैनू लग्या भी मेरे मुल्क का संविधान मेरे उल्टा है तो वीरो आप हाथ खड़े कर देंगे, आपकी जी है अपना मर गया आप फूटता, किसी को कोई दर्द नहीं है। इन्हों जो फिक्र है अगलिया इलेक्शन की फिक्र है। देखो मामला जिहड़ा असीं बहुत संगीन मामला है, असीं जिन्ने भी उत्थे हमला करन गए सी जां उन्हां दे जिहड़े नाल कनैक्टड जां उन्हां दे जिहड़े पिछे प्लैनिंग बनाउण वाले सी उह सारे असीं फड़ ले ने, चलान भी पेश करता है ते एक दो कनेडा च ने। असीं भारत सरकार नूं यह बेनती की है कि रैड कॉर्नर नोटिस जारी करके उन्होंने भी बुलाया जाए। सो साढ़े वालों कोई इस तरह की कमी नहीं हैगी कि असी किसी पक्ष तो इंसाफ देने दे विच असी कोई देरी कर रहे होइए। हर रोज़ कोई ना कोई गिरफ्तारी हो रही है, कितों भी सानू कोई क्लू मिलता है असी उन्हें गिरफ्तार करते हैं, तो जल्दी जिहड़ा मामला जिहड़ा वो हल हो जाए।